हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। जो बिजनेस को चलाने के लिए यूज होता है, उसे ही हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए, बिजनेस की कोई एसेट खरीदने के लिए जो भी पैसा यूज होता है वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कहीं से पैसा इकट्ठा किया और गाड़ी ले ली, लेकिन आपके पास अब इतना पैसा नहीं है कि पेट्रोल खरीदकर गाड़ी को चला सकें, फिर इस सिचुएशन में गाड़ी का क्या फ़ायदा? उसी तरह सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जितना उसको सही ढंग से चलाना। तो बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो जो पैसा बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए यूज़ होता है, बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। अब ये पैसा कहाँ से आता है, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा लिया जाता है और बिजनेस के ऑपरेशंस को रन किया जाता है, तो चलिए वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट सोर्स है हमारे पास ओनर्स फंड। जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसे ओनर्स फंड बोला जाता है, जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं होती अमाउंट को रीपे करने की। ये बिजनेस में परमानेंटली इन्वेस्ट किया जाता है, बैंक लोन की तरह ये रिफंडेबल नहीं होता, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं? जब प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट फ्यूचर के लिए रिटेन करके रखा जाता है, बचाकर रखा जाता है कि इन फ्यूचर जो एक्टिविटीज होंगी उसके लिए वो पैसा यूज होगा, उसे रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर। इसको रिस्की कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि ओनर द्वारा लगाई गई ये कैपिटल में जो रिटर्न आता है वो डिफर होता है प्रॉफिट की अर्निंग के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो चेंज भी होता रहता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, अगर प्रॉफिट कम होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट रिटर्न भी कम होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इसमें शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको कोई भी रिटर्न नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो मतलब उनका रिटर्न ज़ीरो होगा। एक केस और है, अगर बिजनेस को कोई लॉस भी होता है तो उस केस में भी लॉस जो है वो उनकी ही कैपिटल से चुकाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बोरोड फंड। किसी भी तरीके का लोन या उधार जो बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे बोरोड फंड बोला जाता है। अब ये फंड कहाँ से आते हैं? जैसे कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट या इशू ऑफ डिवेंचर्स। इन सोर्सेज से जब बिजनेस ओनर पैसा उधार लेता है तो इन रिटर्न इंटरेस्ट पे करता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। ये पर्टिकुलर जो बोरोड फंड होते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर जब किसी कंपनी या बिजनेस यूनिट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक से या डिबेंचर्स को इशू करके पैसा ले लेते हैं, एंड देन इन रिटर्न उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड, एंड एंटरप्रेन्योर्स को लोन एंड एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, और इसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। चलिए कमर्शियल बैंक्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेट बैंक। ये एक तरीके के कमर्शियल बैंक ही होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल खरीदी जाती है। ये बैंक कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी के रूप में होते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ICICI बैंक, येस बैंक एंड HDFC बैंक। सेकेंड वन इज पब्लिक बैंक।
ये नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, गवर्नमेंट का पूरा होल्ड होता है इनके ऊपर, जिसमें देना बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही थर्ड है फॉरेन बैंक। ये वो बैंक है जो मेनली फॉरेन कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड होते हैं एंड बाकी अदर कंट्रीज में इनकी ब्रांचेज होती हैं, जैसे सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक्स। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। जब एक कंपनी पब्लिक से लोन मनी कलेक्ट करती है तो उसे पब्लिक डिपॉजिट्स कहा जाता है। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। कंपनी एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट करती है टू द जनरल पब्लिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू एवरीवन।